राम मंदिर बनाने से वोट नहीं मिलने वाला है, मेरा सोचना यह है। ये वोट जो आने वाला है फ्यूचर में बीजेपी के लिए और ब्राह्मणों के लिए जी, वो ईवीएम से आने वाला है जी। ये छुपाने के लिए राम मंदिर 22 जनवरी को ओपन कर रहे हैं जी। उसके बाद में ये ऐसा परिवर्तन कर देगा, बीजेपी वालों ब्राह्मणों ने क्या बोलते हैं राम मंदिर बनवाया, इसके लिए इन्होंने जितवाया जी। ये नहीं है, ये गलत बात है, ये हमारा लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसा करने जा रहे हैं जी। एक्चुअली ये लोग ईवीएम से जीतने वाले जी, समझ में है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब राम मंदिर का पॉलिटिक्स हो गया। आंध्र में जब हमारा पुराना मुख्यमंत्री था श्री एन टी रामाराव जी, वो ब्राह्मण के खिलाफ था, ये लोगों को नहीं पता। जो उसका कम्युनिटी है, एनटीआर जी का कम्युनिटी है, कम्मा लोग कम्युनिटी बोलते हैं उसका, चौधरी बोलते हैं, कम्मा बोलते हैं आंध्रा में जी, उन लोगों को भी नहीं पता। अच्छा। क्योंकि कम्मा लोगों को, चौधरी लोगों को 1820 से ब्राह्मणों के खिलाफ में दो चल रहा है वो। मैं आंध्र प्रदेश से इधर अधिवेशन में आया हूँ जी। ये बताएं कि आंध्र प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से इस वक्त राजनीति की स्थिति है कि सारी जो सत्ता है वो अब बीजेपी के हाथ में चली गई है, उनका पूरा जो प्लान है वो अगले 25-30 साल तक का है, और उन्होंने ये सोच लिया है कि आगे जाकर वो तमाम जगह पे जब सत्ता हासिल कर लेंगे वो संविधान को बदल देंगे। धीरे धीरे तमाम लोगों के हाथों से जो अधिकार है वो तो ख़त्म हो ही गए हैं, अब वोट का अधिकार भी आपका ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि ईवीएम है। अब आप बताइए कि बाम सेफ से क्या ये चेंज हो जाएगा, क्या परिवर्तन हो जाएगा? डेफिनेटली परिवर्तन आएगा जी, क्योंकि परिवर्तन हम जो दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन से, मैसम साहब का अध्यक्षता में जो काम कर रहे हैं वो सोचने में बदल लाने का परिवर्तन है जी। ये तो परमानेंट परिवर्तन है, समझ में है ना? जैसा बुद्धा बोला था ग्रेटेस्ट थिंग्स विल टेक टाइम, डेफिनेटली ये भी टाइम लेगा जी। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन आएगा जी। कितने दिन टाइम लगने दो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको जी। क्योंकि जो बीजेपी बोल रहे हैं, आरएसएस बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रहे हैं, आप कम्युनिस्ट भी है, मैं और ऐड कर देता हूँ आपको क्वेश्चन को जी। ये पूरा ब्राह्मणों का पार्टी है जी। यही सत्ता में है 75 ईयर्स से जी, जी। अपना अपने वो उनके उनके हाथों में चेंज कर रहे हैं पावर जी, जी, जी। तो लेकिन इन्होंने जो पावर दिया इन लोगों को, वो कौन है? वो अमर आदमी है, समझ में आ रहे ना? जो अमर आदमियों को उन लोग लेके वो सत्ता ले लिया, हम क्या कर रहे हैं? हमारा आदमियों को, हमारा एनर्जी को पीछे ले रहे हैं, हमारे पास ले रहे हैं। डेफिनेटली आएगा जी। क्योंकि आप हिस्ट्री देखा तो ब्राह्मण कभी भी एक बहुजन को, नहीं तो एक मूल निवासी को उसके आसपास में नहीं तो इक्वल स्टेटस नहीं देगा जी। ये पक्का है क्योंकि ब्राह्मण बिलीव इन सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है? तो एक ब्राह्मण को दिखाओ आप हिस्ट्री में, ये मेरा इक्वल बोलने वाला, कोई भी नहीं बताए ना जी। जी एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल। नहीं, एक बात तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि तमाम विचारधारा को पहुंचा रहे, लोगों तक जा रहे हैं। मेरा बात सुनिए, लाइव एग्जाम्पल है जी। रामनाथ कोविंद था जी, राष्ट्रपति था। राष्ट्रपति का मतलब क्या है? ये इंडिया का फर्स्ट पर्सन है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। उसको क्या किया ब्राह्मणों ने? अवमान किया ना, बिल्कुल। तो मुर्मू सुनो, वही बोल रहा हूँ ना, पर अभी भी हो रहा है। नहीं, देखिए लोगों को, एक एक आदमी को, एक एक लोग होते हैं ना, इनका टाइम पीरियड होता है, साइंस में इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। अच्छा। एक एक आदमी को एक एक थ्रेशोल्ड होता है। देखिए, ये भाषण सुनने के बाद एक आदमी इमीडिएट परिवर्तन होता, एक दिन में होता, एक हफ्ते में होता, एक महीने में होता, एक साल में होता, और कोई 10 साल लेता जी। लेकिन परिवर्तन होना ही निश्चित है। अच्छा, दूसरे बात नहीं है ना जी, जी, जब वो दिन परिवर्तन का दिन आता है ना, आप देखना। नहीं, लेकिन तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। अभी आप देखिए, पूरे देश भर में उन्होंने बड़े बड़े अपने ऑफिस बना लिए,
पूरे देश में शाखाएं लगने लगी। हाँ लगाते लगाते पर कब्जा कर लिया। हाँ लगाते कितने दिन लगाते, कितने दूर जाते? नहीं मेरा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, कितने दिन वैसा करते बोलो? नहीं वो तो अगर जिसके पास मीडिया होता है, जिसके पास सारे साधन होते हैं, वो तो कुछ भी कर सकता है ना। हमारे पास लोग है ना, हमारा साधन है ना, सोशल मीडिया है। अब रेगुलर मीडिया को कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा। मैं टीवी देख के बंद कर, मैं टीवी देखने का 10 साल हो गया टीवी देख के, मैं रेगुलर मीडिया आई वोंट सी बिकॉज आई डोंट बिलीव इन रेगुलर मीडिया। अच्छा नहीं, समझ में आ रहा है ना। बट अब तो वो आपका यूट्यूब जो चैनल्स हैं या जो सोशल मीडिया है उस पर भी वो प्रतिबंध लगा रहे हैं, अब उसके लिए एक नया कानून बना रहे हैं और वो जल्दी ही यूट्यूब के जितने भी चलाने वाले लोग हैं उनको भी वो टाइट कर देंगे, वो उनके हिसाब से उनको दिखाना पड़ेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? आप देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, उसको भी वो गोदी मीडिया बनाने वाले। वही बोल रहा हूँ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन विल बी हैविंग नेगेटिव रिएक्शन। वो जितना वो टाइट करेगा वही डेंजरस है उसको। अच्छा समझ में आ रहे हैं। आप बिल्ली ले लो, बिल्ली को रूम में बंधो जी, मारो, क्या करती है बिल्ली? एक दो बार चिल्लाती है, बाद में रिवर्स हो जाती है, वो टाइगर बन जाती है बिल्ली जी। वही होगा। हम इस मीडिया से ब्राह्मणों को बोल रहे हैं, आप जितने भी कानून बनाओ वो कानून हमारे लिए फेवर नहीं है, अनफेवर है, वो तो हम प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, हमारा जो हमारे लोग जो है वो जागृत हो जाएंगे। अच्छा। जो लोग जागृत हो जाते हैं ना, जब उनको स्वेच्छा मिलता है, जागृति मतलब स्वेच्छा। जहाँ एक तरफ इतना पैसा है, बड़े बड़े मीडिया है, पूरा पैसा देके वो मीडिया चला रहे हैं, आपके पास क्या है? आपके पास ये यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा है सोशल मीडिया है, वो भी बिना पैसे के अपना खुद का साधन लगा के हमारे काम कर रहे हैं, ऐसे में कितने दिन चलेगा ये? कितने दिन भी चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, हम करते काम करते, क्योंकि ये जनरेशंस का फाइट है, याद रख लेना। जनरेशन का फाइट है ये। देखो जब शंकराचार्य था जी, उन्होंने क्या किया था, वो बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम कर दिया जी। उसके बाद में ब्राह्मणों ने क्या किया, शंकराचार्य को इंस्पिरेशन लेके वो मठाधिपति पीठाधिपति बन रहे जी, जी, जी। क्यों बन रहे? वो शादी नहीं कर लेते, समझ में आ रहे ना, घर को नहीं जाते, घर को छोड़ देते, वो किस लिए कर रहे हैं? आप एक बात ऑब्जर्व करो, आप जो बोल रहे हैं ना ब्राह्मणों के बात में हाथ में पूरा आ गया बोल के, वो आने के बाद भी क्यों काम कर रहे हैं ये सोचना हमको। वो पूरा है लेकिन वो अभी भी काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हम बहुजन लोगों को ये बोल रहे हैं कि ये सोचो, मूलवासी लोग ये सोचो, उनका हाथ में पूरा आ गया लेकिन वो काम कर रहे हैं। जो मैं भोजन ऑफिसर से IAS IPS डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो जो इंटेलेक्चुअल है उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, एक सोचो एक बार, बाजू लोगों को छोड़ो, समझ में आ रहे हैं ना मेरे बात, उनको छोड़ो। अब इंटेलेक्चुअल्स का बात ये सोचना पड़ेगा, पहले डेंजर आने वाला है, आप जो बोल रहे हैं डेंजर आने वाले है ब्राह्मणों से, वो डेंजर आने वाले से पहले डैमेज होने वाला कौन है ना, ये पढ़े लिखे लोग है, अनपढ़ लोग नहीं है। इसके लिए ये राइट टाइम है टू वर्क, जो पढ़े लिखे लोग हैं, IAS है, IPS है, बड़ा बड़ा ऑफिसर सोच रहे हैं, वो MP बन गए, MA बन गया, आपका टाइम आ गया, नहीं तो पहले डैमेज उनको ही होगा जी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। मतलब जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक लोगों में जागरूकता, या तब तक लोग अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, ऐसा आपको लगता है? स्टॉप करो, क्या बोला? जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, सारा डैमेज नहीं हो जाएगा, तब तक के आप लोग जो है उसमें अवेयरनेस नहीं आएगी और तब तक लोग अपने लिए काम नहीं करेंगे, आपको ऐसा लगता है? ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जागृति जो होता है ना वो टाइम लगने का वाला है। ओके नहीं है ना, लेकिन परमानेंट चेंज है, ये बात याद रखो। सी वी आर वर्किंग फॉर परमानेंट चेंज, नॉट टेम्पररी चेंज। हमको टेम्पररी नहीं चाहिए, हमको परमानेंट चाहिए। पॉलिटिकल चेंज से परमानेंट चेंज होगा? व्हाट इज पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल पावर मतलब क्या है बोलो? नहीं, बहुत सारा सुन लो, सुनिए एक बात, सोशल चेंज से चेंज होगा या पॉलिटिकल चेंज से चेंज होगा? क्योंकि पॉलिटिकल चेंज तो चेंज होता रहता है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। सी पॉलिटिकल पावर इज टेम्पररी थिंग, फर्स्ट पॉइंट, सोशल चेंज इज परमानेंट चेंज। बुद्धा को देखो, परमानेंट सोशल चेंज लाया, समझ में आ रहे ना। महात्मा ज्योतिराव फुले देखो, परमानेंट सोशल चेंज लाया। साहू महाराज देखो, परमानेंट सोशल चेंज लाया। और बाबा साहब देखो, परमानेंट सोशल लाया। इसका मतलब ये है, हिस्ट्री हमको ये बता रहे कि परमानेंट चेंज किधर मिलेगा, सोशल चेंजेस ही मिलेगा। लेकिन आप बुद्धा से लेकर अंबेडकर तक
मान्यवर तक कांसीराम साहब तक भी आप देखो तो सारे लोग ब्राह्मण से लड़ रहे हैं, अभी तक ब्राह्मण यहाँ से वापस नहीं जा पाया है। वापस मतलब कहाँ जाना ब्राह्मण? जहाँ आप कह रहे ब्राह्मण विदेशी है तो अभी तक तो वो वापस गया नहीं, वो तो यहीं है, बल्कि और ज़्यादा जम गया है जी। इसके लिए आपको पता है तीन चांसेस दिया, मतलब तीन क्या बोलते हैं ऑफर दिया है ना हमारे लोग, अब जा सकते हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर रखने गए तो संविधान के जो दायरे में रहना है। दूसरी बात, अब आपको ब्राह्मणों ने ब्रिटिशों को बाहर फेंक दिया, क्यों फेंक दिया? वो विदेशी बोल रहे थे ना, हम वो भी नहीं बोल रहे हैं, विदेशी होने के बाद भी ब्राह्मण इधर रख सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहना है, संविधान के वो अधिकार नहीं चला सकता, ये बात रख लेना ठीक। तो संविधान तो खत्म कर दिया उन्होंने, अभी तो आपके अधिकार भी छीन लिए जाएंगे, अब वोट का अधिकार भी आपके पास नहीं रहेगा, ईवीएम भी चली जाएगी। फिर इसके लिए इसके लिए एक ही रास्ता है, वो जन आंदोलन है जी। हम इसके लिए संगठित शक्ति बना रहे हैं, तो संगठित शक्ति को टाइम लगेगा, मतलब संगठन की शक्ति बनाएंगे, उसके बाद फिर पॉलिटिकल चेंज लाएंगे, तभी होगा, ऐसा बोल रहे हैं? वही होगा। बुद्धा ने दो, देखिए बुद्धा के बाद अशोक आया, बीच में कितना गैप है जी। जब तक बिको ने क्या किया, काम किया, हमारा सोच, हमारा लोग सोचते हैं ना पर इमीडिएट चेंज नहीं होता भाई, टाइम लगता है। ये सोशल वर्क है, ये घर बनाने का काम नहीं है, एक दिन में हो जाए, दूसरा मॉडल लेके आए, नहीं तो ऑलरेडी बिल्ट होते हैं ना, वो घर को लेके आके डालो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो मतलब आपको लगता है कि अभी जीरो से काम शुरू हुआ है, कितना समय लगेगा इसको? जीरे से हम, हमारा लोग कितना जल्दी जागृत हो जाएगा उतना जल्दी रिपोर्ट आएगा। आंध्र में जब हमारा पुराना मुख्यमंत्री था श्री एनटी रामा जी, वो ब्राह्मण के खिलाफ था, ये लोगों को नहीं पता, जो उसका कम्युनिटी है एनटीआर जी का कम्युनिटी है, कम्मा लोग कम्युनिटी बोलते हैं उसका, चौधरी बोलते हैं, कम्मा बोलते हैं आंध्र में जी, उन लोगों को भी नहीं पता। अच्छा। क्योंकि कम्मा लोगों को, चौधरी लोगों को 1820 से ब्राह्मणों के खिलाफ में दो चल रहा है वो जी, लेकिन अब जो कम्मा लोग है पॉलिटिक्स में नहीं तो समाज में है, उन लोग ये नहीं पता है, समझ पा रहे ना। एनटीआर जब बुद्धा का मूर्ति रखने के लिए करवाया था, वो कैसा पड़ गया पानी में, एक षड्यंत्र है, उसको गिरवाने दिया, वो अपने आप से नहीं पड़ा, क्या वो पैसिफिक महासमुद्र है क्या, बाहर नहीं निकलने का, क्या बाहर आया वो दूसरी बार मुख्यमंत्री होते ना तब बाहर, और वो दूसरी बार मुख्यमंत्री होने के बाद जो बुद्धा का ये पुराना प्लेस है सोचना, वो खोजने का काम किया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये लेके, इसके लिए उसको पावर से निकाल दिया। ओके। इसके बाद में उसका पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने प्लान किया, समझ पा रहे हैं? हमारा कम्मा लोगों को, इन लोगों को नहीं पता है, वो लोग सोच रहे हैं कि हम ये हो गया, वो हो गया, अरे भाई आपको, आपका हाथ से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसका एक ही एग्जाम्पल है, चंद्रबाबू जी हमारा माजी मुख्यमंत्री थे, वो भी ईवीएम के खिलाफ में गया था, मुख्यमंत्री लोग है दूसरा स्टेट का, उसको लेके कोर्ट में गया था ना जी जी जी, उसके बाद में ब्राह्मणों ने फिक्स कर दिया, किसी भी हालत में फ्यूचर में नॉन ब्राह्मणों को, मतलब शूद्र लोगों को, सोचो रेड्डी लोग, कम्मा लोग, कापू लोग, इन लोगों को पॉलिटिकल कोर में नहीं आना देना चाहिए फ्यूचर में जी। इसके लिए बराबर देखे, अब दो तीन महीने में इलेक्शन होने वाला है, इसके पहले चंद्रबाबू जी को जेल में डाल दिया, कितने दिन डाल दिया, 52 days ही वॉज इन जेल। इतना बड़ा मुख्यमंत्री जो एनडीए में था, वो कन्वीनर था, एक स्पीकर को बनाया जी जी जी, वो तो छोटा आदमी नहीं है, इतना बड़ा आदमी को कितने दिन डाला जेल में, 52 कांडी गेट बेल, पर उसको बेल नहीं आने दिया। ये मैं इसमें ये बात बोल रहा हूँ, दूसरा स्टेट का होते ना हमारा जो नॉन ग्रामीण लीडर्स होते हैं, लोग लीडर होते हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए जी, हमारा उनका लोग, उनका फ्यूचर भी यही होने वाला है, इसके लिए ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, तो ये है असली मुद्दा, मामला है जाति का, चाहे वो कोई भी हो, वो अपनी सत्ता ब्राह्मणों के हाथों से जाने नहीं देना चाहते, और वो इसीलिए जो है वो कहते हैं कि अगर शूद्र
राजनीति में आएगा या पॉलिटिकल पावर अगर हासिल कर लेगा तो वो सब कुछ परिवर्तित कर देगा, उनकी बात नहीं मानेगा। इस वजह से वो चाहते हैं कि शूद्र जो है यानी कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पावर में ना आए, वो ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।